हाय गाइस, दिस इज जीआर एंड यू आर वाचिंग वर्केट और जॉब हेल्पफुल। सो गाइस, आपने थंबनेल में देखे होगा कि मैं किस जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ, या सिक्योरिटी गार्ड का। एक्चुअल काफ़ी डिमांड आ रहा है और आपके डिमांड को देख के हम लोग आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब लेके आए हैं। इसमें जो है 24 आवर्स, 12 महीना और 24 घंटा वैकेंसी चलती रहती है। आपका जब मन चाहे आ सकते हैं हमारे ऑफिस में। ये कंपनी हम लोगों की ही है जो काफ़ी साल से चल रही है। एक्चुअल इस जॉब का, सिक्योरिटी जॉब को, मैं इसलिए नहीं प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 12 घंटा का ड्यूटी रहता है। यस, 12 घंटा का ड्यूटी रहता है। लोकेशन ओनली ऑन सिर्फ बैंगलोर। हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर कवर कर रहे हैं और काफ़ी सालों से, ऐसा नहीं है कि एक दो जो है दिन से चालू है, काफ़ी सालों से ये सिक्योरिटी एजेंसी है हम लोगों की। सिक्योरिटी जॉब ऑल ओवर बैंगलोर में कभी भी आ सकते हैं। सैलरी स्टार्टिंग 13 से स्टार्ट होती है। अब इसमें सैलरी मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता, रीजन ये रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह का, डिफरेंट डिफरेंट जो है लोकेशन का, आपको अलग अलग जो सैलरी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आपको अपार्टमेंट जो है ड्यूटी मिलती है। अपार्टमेंट मतलब बड़े बड़े अपार्टमेंट जहाँ एंट्री करना रहता है, गाड़ी गेट बंद करना, गेट खोलना रहता है, वो जो रहती है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 13,000 14,000, मतलब जो खाली लिखने का काम रहता है उसमें 13,000 से चालू रहती है। और जहाँ स्टैंडिंग ड्यूटी होती है, खड़ा रहने की, जहाँ मॉल्स हो गए, जहाँ हॉस्पिटल्स हो गए, वहाँ खड़ा रहने की जो जॉब रहती है उसमें थोड़ा अलग सैलरी होता है। और जो डेवलपर्स रहता है बिल्डर्स में, जहाँ आपको एंट्री वगैरह करनी रहती है कॉन्क्रीट की, सामान की, उसमें अलग सैलरी रहती है। तो मैं इसमें सैलरी आपको फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन जॉब 100% गारंटी रहती है। तो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी लाइन में जॉब बेंगलोर में, और वो भी फ्री में, कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। और इसमें फैसिलिटीज़ ESI PF तो कंपलसरी रहता ही रहता है, आप चाहे कौन से भी ड्यूटी कीजिए। प्लस इसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भी रहता है। प्लस इसमें OT 110% रहती है। हम लोगों की कंपनी की तरफ से महीने का 10 से 12 OT गारंटी में देता हूँ कि रहती है। उससे ज़्यादा मिल सकती है लेकिन कम नहीं। यस, जितनी आपकी सैलरी रहती है उससे 10 दिन 15 दिन आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाई जाती है। आप दिन में कर रहे तो रात की दी जाती है, रात में करवाए तो दिन की दी जाती है, लेकिन आपको OT 100% मिलती मिलती है हमारे इस कंपनी में। अच्छा गाइस, सिक्योरिटी लाइन में जॉब देना, काम दिलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ क्या रह जाता है कि आप महीना भर काम करते हैं, आप 30 दिन उस कंपनी को देते हैं, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आता है तब मेन चीज आती है कि पेमेंट वो कंपनी टाइम पे करती कि नहीं करती है। आपका जो आपकी सैलरी है, जो आपका मेहनत का पैसा है, वो आपको टाइम पे देती कि नहीं देती है, मेन वही बात रहती है। तो पेमेंट का हम लोगों की कंपनी का गारंटी रहता है पूरा, कि पेमेंट आपका इसमें कहीं नहीं जाता है। पेमेंट आपको 110 नहीं, 120% जो है आपको 1 तारीख से लगाकर 5 तारीख के बीच में पेमेंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था सिक्योरिटी लाइन का जॉब जो 24 आवर्स 12 महीने चलने वाला है। जो बंदे, हिंदी वाले लड़के जो ज़्यादा डिमांड करते हैं, वो चाहे तो चाहे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जहीं से भी हो, आसाम से हम लोगों के ऑफिस आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, जब चाहे ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात गाइस, देखिए मेरा मानना है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम मत कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि सिक्योरिटी लाइन में आपका फ्यूचर नहीं है। आपको सिर्फ बैठा बैठा के जो है काम करना होता है वहाँ पे, लेकिन उसमें फ्यूचर नहीं रहता। सिर्फ आपको पैसा मिलेगा मैं मानता हूँ, काम आराम का मिलेगा मैं मानता हूँ, लेकिन हार्डवर्क नहीं रहेगा ना, और जब तक आपको जो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मेरा खुद का ओपिनियन है, मेरा खुद का मानना है सिक्योरिटी लाइन में। लेकिन हम लोगों को ये चाहिए लड़का, मैं अपनी जॉब के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मत आइए, लेकिन हम लोग को नुकसान हो जाएगा यार, आइए जॉब चाहिए तो। लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ कि उसमें आपको एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है। आप बेटर है कि हमारे दूसरे जॉब में आइए, प्रमोशन का, प्रमोटर का, उसमें मार्केटिंग करने का टाइम मिलता है आपको, उसमें एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसमें सैलरी बढ़ती है, उसमें आपका फ्यूचर रहता है। एनीवे गाइस, वो आपकी मर्जी है, आपका थिंकिंग है। ये जॉब अनपढ़ वालों के लिए भी है, और एज जो है इसमें 18 से लगाकर 35-40 तक लास्ट है। 18 से लगाकर 35-40 वाला कोई भी जो है, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों भी रिक्वायरमेंट रहता है, जब चाहे आ जाइए, ज्वाइन हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ रूम दिया जाता है, खाना हम लोगों की तरफ से नहीं दिया जाता है। सिंपल सी बात है, क्लियर बात है, खाने के मामले में हम लोग कंपनी नहीं देती है। हम लोगों की कंपनी OT देती है, आपको ओवर टाइम देती है। खाना इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि एक एक आदमी अलग अलग खाना खाता है। किसको ज़्यादा खाना पसंद होता है, किसी को कम खाना पसंद होता है, किसी को वेज रहता है, किसी को नॉन वेज रहता है, कोई अच्छा खाना पसंद करता है तो कोई कैसा खाना पसंद करता है। इसीलिए कंपनी जो है खाना आपके ऊपर छोड़ती है, हम लोग रूम देते हैं सिर्फ और सिर्फ, और OT देते हैं, ओवर टाइम देते, ताकि आप अपना जितना भी खाओ, कैसे भी खाओ, आप अपना खा के वो OT में निकाल सकते हैं और अपना अपना सैलरी सेफ बचा लेते हैं। तो फ्रेंड्स,
एक अच्छा जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अनपढ़ वालों के लिए। मैं तो सही कहूंगा, मैं अनपढ़ वालों के लिए ही मैं लेके आया हूँ। जिसको कुछ पढ़ना नहीं लिखना नहीं आता, वो उनके लिए ही है। अगर जो भी बंदा करना चाहता है या करने में इंटरेस्टेड हो, वो मुझे डायरेक्ट कॉल करे या फिर हम लोगों के डायरेक्ट ऑफिस विजिट करे। होलीमाउ में हम लोग जो है ऑफिस है, सिक्योरिटी ऑफिस का, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। ऑफिस कौन से एग्जैक्ट एड्रेस पे है आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं। आरके गेट पे आके मैं आपका अवेलेबल मिलूंगा वहाँ पे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।